जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों आज मैं जब लाइव स्ट्रीम में आया हुआ था तो बहुत सारे भाई लोगों ने क्वेश्चन किए, मैंने उनका आंसर भी दिया है, ठीक है। और कुछ भाई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आप काम क्या करते हो, मैं आज उन लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखो, ऐसी बात है, मेरी फैमिली में मेरे फादर है नहीं, मेरी मदर है, मेरी माँ है। क्योंकि देखो मैं काम भी करता हूँ, साथ में स्टडी भी करता हूँ और जो टी आर्मी की तैयारी भी करता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोग आगे देखोगे मेरा काम क्या है, एक बार ये काम देखो मैं क्या काम करता हूँ। देखा हुआ ये, मैं यही काम करता हूँ। क्योंकि मेरे को जब भी मुझे टाइम मिलता है, ये डेली काम नहीं रहता है क्योंकि मुझे कभी स्टडी भी करना पड़ता है, ठीक है, स्टडी भी करना पड़ता है और साथ में मैं ये काम भी करता हूँ, घर की जिम्मेदारी भी है। दोस्तों आप लोगों ने जो मेरा वीडियो देखा है, क्योंकि जो ये मेरा काम है ये डेली नहीं रहता है, मेरा जब काम लगता है, क्योंकि डेली तो काम लगता नहीं है, फिर भी हफ्ते में दो चार दिन काम लगता है। मैं साथ में ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा घर का गुजारा चल जाए, क्योंकि मेरी घर में कोई है नहीं, आपको भी पता है मेरी माँ है, तो घर में भाई गुजारा करना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग चाहे आप हाई फैमिली से हो या मिडिल फैमिली से हो, आपका सपना आप काम करके आप किसी भी कंडीशन में आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे रह के ही आप रनिंग करो, स्टडी करो। अगर आपकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप काम करके भी आप अपनी फैमिली के साथ साथ टी आर्मी या इंडियन आर्मी में आप लग सकते हो, आपका सपना पूरा कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मेरा बोलने का अर्थ यही था क्योंकि आज लोगों ने मेरा काम देखा हुआ है, ठीक है। मुझे एकदम वो दुख नहीं है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे खुशी है कि मैं मेरी फैमिली के साथ देश सेवा करने का एक जुनून है मेरे अंदर और आप लोगों में भी वो जुनून है। आप लोग जो भी मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग जो काम भी करते हैं और देश सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोग कैसा है, बहुत सारे भाई लोग भी है जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो भी खेत में, क्योंकि किसान के बच्चे होते हैं मेरे भाई लोग, वो भी खेत में जाके काम करते हैं कि भाई एक दिन अपना सपना पूरा होगा, साथ में वो लोग अपनी तैयारी भी करते हैं, ठीक है। और मैं आगे आपको बताऊं कि जो भी फैज़ाबाद और इसका भुवनेश्वर का हुआ था, मैंने आप लोगों को तो बताई थी सच्चाई, ठीक है। और आपको मैं आगे बताऊं कि जो हमारे शहीद हरि सिंह परमार, हमारे भाई जो देश सेवा के लिए अपना बलिदान दिया है, ठीक है, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो, और एक बंदा है जो BSF में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुका है और कार्यरत है BSF में, उस भाई का भी तुम लोग, कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, उनका भी वीडियो उन लोगों ने वायरल किया कि भाई ये भी शहीद हो गया। उसके जो भाई है BSF वाला, उसके माता पिता पे क्या गुजर रही है वो लोग ही जानते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो पहले वीडियो बना देते कि ये शहीद हुआ, बाद में वही लोग बोलते हैं कि सॉरी हमसे गलती हो गई। जब तुम लोगों को नॉलेज नहीं है उस बारे में कि बंदा आर्मी वाला है या BSF वाला है, इस टॉपिक पे तुम लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है, फिर भी तुम लोग वीडियो बना जा रहे अपने यूज़ के नाम पे, ऐसा मत करो। या तो फिर तुम वीडियो बना रहे हो बच्चों को मोटिवेशन के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में तुम लोग जो एक दिन बोलते हैं भर्ती है, दूसरे दिन बोलते नहीं है, वैसे आप लोगों ने जो हमारे शहीद हरीश परमार भाई है, जो हमारे देश के लिए गर्व है हमको उन पर कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन उसके साथ में जो बंदा है आपको मैं बताया BSF वाला है, उस बंदे को भी तुम लोग वायरल क्यों कर रहे हो यार। वो बंदा देश सेवा कर रहा है, तुम लोग उनको शहीद का दर्जा दे दिया, गलत है ना ये, ऐसा मत करो, ठीक है। आप लोग भी समझदार हो, कौन सही है कौन गलत है इसकी परख आप लोगों को है, ठीक है दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।